मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एटकिंसन साइकिल के बारे में बात करेंगे। जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी टोयोटा ने प्रियोस हाइब्रिड में एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड इंटरनल कम्बशन इंजन का यूज किया था और 2010 में लॉन्च हुई फोर्ड फ्यूजन जो कि नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च हुई थी, हाइब्रिड थी। इसमें भी एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड इंटरनल कम्बशन इंजन का यूज किया गया था। आज के इस वीडियो में हम एटकिंसन साइकिल के बारे में बात करेंगे और एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड इंटरनल कम्बशन इंजन में किस तरह के मैकेनिज्म का यूज होता है वह भी एनिमेशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए आप मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एटकिंसन साइकिल के बारे में बेसिक्स बता देता हूँ। एटकिंसन साइकिल में भी चार प्रोसेस होती हैं। दो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है। एटकिंसन साइकिल का पीवी डायग्राम आप मेरे बगल में देख सकते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस सेम जैसे ऑटो साइकिल डीजल साइकिल में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, एटकिंसन साइकिल में भी सेम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। हीट एडिशन एटकिंसन साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम में किया जाता है, यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड रहते हैं उनमें जो कंबशन होता है वह कंबशन कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है। एक्सपांशन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन रहता है या फिर आप इसे एडियाबेटिक एक्सपांशन भी बोल सकते हैं। और एग्जॉस्ट प्रोसेस की जगह यहाँ पे है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यानी पहले कंप्रेशन होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर में हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है एक एटकिंसन साइकिल में। एटकिंसन साइकिल के इस पीवी डायग्राम को आप देख के समझ सकते हैं कि एटकिंसन साइकिल में एक्सपांशन स्ट्रोक ज्यादा लंबा रहता है और कंप्रेशन स्ट्रोक छोटा रहता है। ऐसा क्यों होता है, किस तरह का मैकेनिज्म इसके पीछे काम करता है, आगे एनिमेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटकिंसन साइकिल में कंप्रेशन स्ट्रोक एक्सपांशन स्ट्रोक से छोटा होता है, इसलिए जो इंटरनल कंबशन इंजन एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड रहता है उसमें कंप्रेशन रेशियो हमेशा एक्सपांशन रेशियो से कम रहता है। और यह पॉसिबल होता है एक कॉम्प्लेक्स लिंकेज मैकेनिज्म की मदद से। इसमें फोर बार मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, मेरे बगल में आप एनिमेशन में देख सकते हैं। क्योंकि एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम रहता है इसलिए एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड इंजन में डेटोनेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। और क्योंकि एक्सपांशन स्ट्रोक बड़ा रहता है, एक्सपांशन रेशियो ज्यादा रहता है, इसलिए पावर स्ट्रोक बेहतर हमें मिलता है और एग्जॉस्ट के समय कम हीट वेस्ट होती है जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। लेकिन एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन के डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसका जो पिस्टन और फ्लाईव्हील मैकेनिज्म है यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यह मैकेनिज्म को बनाना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एटकिंसन साइकिल का यूज बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपने हाइब्रिड व्हीकल्स में किया था। हाइब्रिड व्हीकल में ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल की जगह एटकिंसन साइकिल का बीच में यूज किया गया था। लेकिन जो एटकिंसन साइकिल का यूज हाइब्रिड व्हीकल्स में होता है वह एक मॉडिफाइड एटकिंसन साइकिल है। मॉडिफाइड एटकिंसन साइकिल में इनलेट वॉल्व की टाइमिंग थोड़ी रेगुलेट कर दी जाती है, समझाता हूँ कैसे। बेसिकली ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल में पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है सक्शन स्ट्रोक के समय, उस समय इंटेक वॉल्व खुलता है और पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच चुका होता है और जब कंप्रेशन स्ट्रोक की शुरुआत होने वाली होती है उस समय इंटेक वॉल्व बंद हो जाता है और जो फ्यूल एयर का मिक्सचर सिलेंडर में आया है उसे कंप्रेस किया जाता है, या फिर डीजल इंजन के केस में सिर्फ एयर को कंप्रेस किया जाता है। लेकिन मॉडिफाइड एटकिंसन साइकिल के केस में जब सक्शन स्ट्रोक होता है पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है उस समय इंटेक वॉल्व तो खुला रहता है, लेकिन जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा होता है यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा होता है उस समय भी कुछ समय तक इंटेक वॉल्व खुला रहता है, जिससे कि कुछ एयर जो सिलेंडर के अंदर आई थी वह एयर वापस पिस्टन, क्योंकि उसे कंप्रेस करते हैं और इंटेक वॉल्व खुला है इसलिए कुछ एयर
बाहर चले जाती है इंजन सिलेंडर से, जिससे कि इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम हो जाता है, वहीं एक्सपांशन रेशियो सेम रहता है जैसे कि पहले था, लेकिन इंजन की पावर डेंसिटी कम हो जाती है। एटकिंसन साइकिल, बेसिकली मॉडर्न एटकिंसन साइकिल का गोल आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न एटकिंसन साइकिल का गोल है कि एक्सपांशन स्ट्रोक के बाद जो इंजन में प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा होएगा तो जितनी भी अवेलेबल एनर्जी रहेगी कंबशन प्रोसेस के दौरान वह पूरी तरह से हम यूटिलाइज कर लेंगे और बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया है। लेकिन एटकिंसन साइकिल में क्योंकि कंप्रेशन रेशियो कम हो जाता है तो पावर डेंसिटी भी कम हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और यह जो मॉडिफाइड एटकिंसन साइकिल होते हैं जिनमें इंटेक वाल्व की टाइमिंग को थोड़ा डिले कर दिया जाता है, इसे हम मिलर साइकिल भी बोलते हैं, और इस साइकिल के ऊपर बेस्ड इंजन को हम मिलर साइकिल इंजन भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक एटकिंसन साइकिल के बारे में बात की, एटकिंसन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होती हैं मैंने आपको बताया, एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन कैसे काम करता है हमने उस बारे में डिस्कशन किया, और भी बहुत सी बातें मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे, जय जवान जय किसान।